बैठ जाना है किसी भी एक आधार आसन में, क्रॉस लेग, बैक स्ट्रेट, चिन पैरेलल, वज्रासन, जो आपको अच्छा लगता है उसमें बैठ जाना है। बट बैक को सीधा रखना है, अपनी पीठ को सीधा रखना है, चिन पैरेलल, स्लाइटली शोल्डर पीछे, आंखें बंद है और अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है। ब्रीदिंग नॉर्मल नेचुरल और आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ है। धीरे से सांस आ रही है, धीरे से जा रही है, बस उसे ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, बस उसे देखना है। अब आपका ब्रीदिंग की तरफ, अपने सांसों की तरफ ध्यान बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका फोरहेड रिलैक्स हो रहा है, आईब्रोज रिलैक्स हो रही है, आईबॉल रिलैक्स हो रहे हैं, आईलिड रिलैक्स हो रही है, ना। सबसे पहले हम त्रि ओंकार चांट करेंगे, स्लोली नेम एंड सात ओंकार। वाइब्रेशन ऑफ ओंकार, ओंकार के वाइब्रेशन को फील करना है। धीरे से आंखों को खोलना है। पहले हम लूजनिंग करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार। नाउ खड़ा रहना है, स्टार्ट करेंगे लूजनिंग प्रैक्टिसेस। दोनों पैरों में 1 फीट डिस्टेंस, हाथ कमर के ऊपर, हिप रोटेशन 5 times क्लॉकवाइज एंड 5 times एंटी क्लॉकवाइज। अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेंट्रेशन, अपने माइंड को इन्वॉल्व करो। वन फीट डिस्टेंस, इंटरलॉक फिंगर्स, स्ट्रेचिंग 5 times, अच्छी तरह से ज्यादा स्ट्रेच करना है। फाइव टाइम्स हो जाए तो 1 फीट डिस्टेंस, हील्स बाहर, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग 5 times। फॉरवर्ड बेंड करते हो, पैरों को घुटनों में बेंड नहीं करना है, नी बेंड नहीं करना है। फाइव टाइम्स, वन फीट डिस्टेंस, इंटरलॉक फिंगर्स,
stretch, lateral vein, right, left. Right में 5 times, left में 5 times. अच्छी तरह से 5 times. दोनों हाथ सामने हैं, अच्छी तरह से ट्विस्ट, ये 10 टाइम्स. हाथ शोल्डर लाइन में ही पीछे जाना चाहिए. अच्छी तरह से 10 टाइम्स. पर हमें 3 feet डिस्टेंस, त्रिकोणासन क्रिया अच्छी तरह से. नी स्ट्रेट हो जाए तो बैठ जाना है क्रॉस लेग. लैटरल वेन अच्छी तरह से स्ट्रेच 5 टाइम. एक पर सीधा, एक पैर फोल्ड. ट्राई करो पैर अच्छी तरह से फोल्ड है. जो पैर सीधा है वो अच्छी तरह से खड़ा है, नी बेंड नहीं करना. जो पैर फोल्ड किया वो साइड में पीछे जाके फोरहेड टच करना है और आगे पैर के ऊपर फॉरवर्ड बेंड 5 टाइम. अच्छी तरह से 5 टाइम. फाइव टाइम्स हो जाए तो पैर चेंज दूसरी तरफ से. अच्छी तरह से पीछे की तरफ जाके फोरहेड टच करना है और आगे पैर के ऊपर फॉरवर्ड बेंड 5 टाइम्स. अच्छी तरह से ट्राई करना है, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड बेंड करना है. हो जाए तो दोनों पैर साथ में है. नाव चलाना है 5 टाइम्स आगे की तरफ एंड 5 टाइम्स रिवर्स. हाथों को एल्बो में बेंड नहीं करना है, पैरों को नी में बेंड नहीं करना है. फाइव टाइम्स आगे की तरफ, दृष्टि सामने, देन रिवर्स 5 टाइम. अच्छी तरह से yes. पैरों में अच्छा खासा डिस्टेंस. पैर खड़ा है, इंटरलॉक फिंगर्स. आगे झुकना है एंड देन साथ चक्की पीसना है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज. हाथों को अपने टोस के आगे लेके जाना, पैरों से आगे से लेके जाना. बड़ा सर्कल बनाना है एंड देन रिवर्स 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स. हो जाए तो दोनों सोल साथ में. इंटरलॉक फिंगर, टोज को पकड़ लो एंड देन बटरफ्लाई 10-15 टाइम. हो जाए
उसको धीरे से वन साइड टर्न होके बैक के ऊपर ले जाना है, हमेशा वन साइड टर्न होके ही बैक के ऊपर ले जाना है, दोनों पैर साथ में है, दोनों हाथ शरीर के बाजू में है। अब धीरे से हाथ पैर और सर तीनों साथ में ऊपर उठाना, नाउ स्टार्ट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, इंटरलॉक फिंगर्स हाथ सर के नीचे, अल्टरनेट पैर अप एंड डाउन 5 times, नी स्ट्रेट, नाउ नेक्स्ट राइट लेग सर्कल बनाना है 5 times क्लॉकवाइज एंड 5 times एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा सर्कल बनाना है, नी को स्ट्रेट रखना है अच्छी तरह से 5 times, राइट लेग हो जाए तो लेफ्ट 5 times क्लॉकवाइज एंड 5 times एंटी क्लॉकवाइज, हो जाए तो दोनों पैर साथ में है, साइकिलिंग दोनों पैर साथ में रख के करना है अच्छी तरह से 3 times आगे की तरफ एंड 3 times रिवर्स, अच्छी तरह से 3 times हो जाए तो धीरे से 1 side turn होके पेट के ऊपर ले जाना है, हाथ चेहरे के बाजू में, नाउ स्टार्ट अप डाउन अप डाउन up down up down up and down, hat chest ke baju mein, now start up down up down up down up down up and down, अब हाथ पेट के बाजू में और थोड़ा नीचे लेके जाना, now start up down up down up down up down up and down, now interlock fingers heart chin ke niche par piche ki taraf se fold, now pairon ko right left achhi tarah se right mein 15 times लेफ्ट में 15 times, 15 बार राइट साइड में, 15 बार लेफ्ट साइड में अच्छी तरह से, राइट में जाते हो दोनों टो टच करके आ जाएगा, लेफ्ट में जाते हो दोनों टो टच करके आ जाएगा, अच्छी तरह से 15 times, काउंट किया करो 15 times,
हो जाए तो वन साइड टर्न होके बैठ जाना। दोनों नीज पकड़ना है अच्छी तरह से, सेपरेट पकड़ लो चलेगा। सीसॉ करना है, पवन मुक्तासन क्रिया 5 times। देन थाई को नीचे से पकड़ना, वापस 5 times, बट नीचे जाओगे पैर को सीधा करना है 5 times अच्छी तरह से 5 times एंड लास्ट टोस पकड़ के दोनों सोल साथ में है इस तरह से ट्राई करो ऐसे पकड़ना है एंड देन स्टार्ट तो उसको अपने फोरहेड के ऊपर टच करना। फाइव टाइम्स हो जाए तो वहीं पे लाई डाउन करके रिलैक्स करना। आंखें बंद है और अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखना है आपके अंदर क्या चेंज हो गया है, आपका ब्रीदिंग, बॉडी, माइंड, इनमें क्या चेंज हो गया है और क्या चेंज हो रहा है अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर और साथ के अंदर क्या चेंज हुआ है उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है और अभी क्या चेंज हो रहा है उसे भी ऑब्जर्व करना है। नाउ धीरे से आंखों को खोलना है, वन साइड टर्न करना है, धीरे से बैठ जाना है और खड़ा रहना है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए अच्छी तरह से खड़ा रहना है, मैं भी कर रहा हूँ, पर बीच बीच में मैं बंद करूंगा, सर साथ में कर रहे हैं। अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन करके करोगे तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग ट्राई करोगे, बढ़िया। ना दोनों पैर साथ में हैं, नमस्कार मुद्रा, उत्तीतहस्तासन, हस्तपादासन, नी स्ट्रेट, नी के ऊपर, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, साष्टांग नमस्कार, नी चेस्ट फॉर ए टच, भुजंगासन, कोणासन, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, उत्तीतहस्तासन, नमस्कार मुद्रा, उत्तीतहस्तासन, हस्तपादासन,
left leg back, right leg back, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, कोणासन, नी स्ट्रेट, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड, सहस्रासन, नमस्कार मुद्रा कंटिन्यू करना है, उत्तीर्थहस्तासन, हस्तपादासन फॉरवर्ड वे, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, कोणासन, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, उत्तीर्थहस्तासन, नमस्कार मुद्रा, बढ़िया वेणु सर बहुत अच्छा, उत्तीर्थहस्तासन, हस्तपादासन, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, कोणासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड, उत्तीर्थहस्तासन, नमस्कार मुद्रा, उत्तीर्थहस्तासन, हस्तपादासन, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, कोणासन, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, उत्तीर्थहस्तासन, नमस्कार मुद्रा, उत्तीर्थहस्तासन, हस्तपादासन, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, कोणासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड, उत्तीर्थहस्तासन, नमस्कार मुद्रा कंटिन्यू करना है, उत्तीर्थहस्तासन, हस्तपादासन,
right leg back, left leg back, Sasang Namaskar. Bhujangasan. Konasan. Right leg forward. Left leg forward. Uttitahastasan. Namaskar Mudra. Sitahastasan. Try karo Avinashi. Hastapadasan. Left leg back. Right leg back. Good, Sanjeev. Badiya. Satsang Namaskar. Bhujangasan. Backward bend. Ganeshji, karo. Konasan. Left leg forward. Right leg forward. Uttitahastasan. नमस्कार मुद्रा. और एक सेट करेंगे हम, तो एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा बराबर 12 सेट हो जाए, मतलब 12 का सेट हो जाएगा. नाउ स्टार्ट. उत्तीतहस्तासन. बढ़िया वेनु सर, बहुत अच्छा. हस्तपादासन. राइट लेग बैक. Left leg back. Satsang Namaskar. Bhujangasan. Konasan. Badiya. Right leg forward. Left leg forward. Uttitahastasan. Backward bend. Namaskar Mudra. And last, Uttitahastasan. Hastapadasan. Forward bend. Kamar se. Yes. Left leg back. Right leg back. Satsang Namaskar. Bhujangasan. Konasan. Left leg forward. Right leg forward. Uttitahastasan. Namaskar Mudra. Relax. Thoda baith jayega. Amit sir, aapka video blur hai. Thoda change karo. Blur mode mein gaya shayad. Check karo. यस, अभी करेक्ट हो गया. थोड़ा रिलैक्स. धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो 12 कम से कम रेगुलर 12 सूर्य नमस्कार होना ही चाहिए. कुछ हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कम से कम 12 सूर्य नमस्कार भी कर लेते हो सुबह सुबह, या जब भी आपको खाली पेट टाइम मिलता है तभी.
थोड़ा रिलैक्स हो जाओ ताकि हम लोग आसन प्रैक्टिस करेंगे। बैठे रहिएगा, मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस जो करना है वो दिखा देता हूँ ताकि और अच्छा हो जाएगा। हम लोगों ने सीखा है, फिर भी एक बार देख लो अच्छी तरह से, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पैरों में 1 फीट डिस्टेंस है, राइट हैंड सामने से ऊपर, देन स्ट्रेच, रिलैक्स, थोड़ा बैठ जाइएगा, रिलैक्स, स्ट्रेच, शिन पैरेलल एंड देन स्टार्ट बेंडिंग, टिप ऑफ फिंगर तक स्ट्रेच, दोनों नी स्ट्रेट, हिल प्रेस, नी कैप ऊपर, दृष्टि सामने, नीचे का हाथ एकदम रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलीज करते समय पहले शरीर को सीधा करना है एंड देन साइड से हाथ नीचे। नाउ खड़ा रहना है, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। चलो पैरों में 1 फीट डिस्टेंस, राइट हैंड सामने से ऊपर, अच्छी तरह से स्ट्रेच एंड देन स्टार्ट बेंडिंग, टिप ऑफ फिंगर तक स्ट्रेच, हाथ को जितना खींच सकते हो खींचना है, मेंटेन करो अच्छी तरह से ताकि मैं देख पाऊंगा, अच्छी तरह से स्ट्रेच करना, नीचे का हाथ एकदम रिलैक्स। प्रसाद जी करो, छोड़ो मत, सुशांता कर लो, छोड़ो मत, मेंटेन करो थोड़ा थोड़ा, तभी तो मैं देख पाऊंगा। यस वरुण बहुत अच्छा हुआ है, यस शंकर जी आपका भी बहुत अच्छा हो गया है, बढ़िया वेनु सर, फैंटास्टिक। और आप हाथ को स्ट्रेच कर सकते हो और एल्बो से सीधा करो, बस और अच्छा होगा, और पाम नीचे करो, उंगलियों को भी स्ट्रेच करो, यस फर्स्ट क्लास। अमित सर बढ़िया हो गया है, प्रसाद बहुत अच्छा, एके सिंह जी आपका भी बढ़िया हो गया है, थोड़ा मेंटेन करो तभी तो आपको रिजल्ट आएगा। संजू मेंटेन करो थोड़ा, यस शरद सर मेंटेन करो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करते जाओ तभी आ जाएगा। रिलीज, धीरे से शरीर को सीधा करो, हाथ धीरे से साइड से नीचे, मिला नाउ लेफ्ट हैंड सामने से ऊपर, अच्छी तरह से ऊपर खींचो, हाथ को स्ट्रेच करो, यहां से हाथ खींचना चाहिए ऊपर, स्ट्रेच एंड देन स्टार्ट बेंडिंग, टिप ऑफ फिंगर तक, एल्बो बेंड नहीं करना है, पूरा स्ट्रेच, पाम्स नीचे की तरफ, अच्छी तरह से स्ट्रेच करो, ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों पैर सीधा, नीचे का हाथ शोल्डर रिलैक्स, बढ़िया फैंटास्टिक। थोड़ा मेंटेन करो ताकि सबको देख पाऊंगा, अजय जी बहुत अच्छा, गुड, थोड़ा मेंटेन, थोड़ा मेंटेन, रिलीज, धीरे से हाथ साइड से नीचे, रिलैक्स। ये पोस्चर हमने पहले भी किया है, आज भी, और इसे रेगुलर करना है, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, लैटरल बेंड, ट्विस्ट कंपलसरी होना ही चाहिए। पैरों में 3 फीट डिस्टेंस, वही पे पैरों में 3 फीट डिस्टेंस, नाउ राइट हैंड सामने से ऊपर, अच्छी तरह से स्ट्रेच शिन पैरेलल एंड देन स्टार्ट बेंडिंग, टिप ऑफ फिंगर तक स्ट्रेच, दृष्टि सामने, मेंटेन करना है, छोड़ना नहीं है, ताकि मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकूं, देख सकूं। यस बढ़िया, हल्का सा, दोनों पैर सीधा है, अमित सर ऊपर का शोल्डर थोड़ा पीछे, बस थोड़ा कम नीचे जाओगे चलेगा, नहीं तो फॉरवर्ड बेंड होता है, मैं बता दूंगा बाद में क्या होता है। यस A1K, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा, बढ़िया,
दिलीप बट कौन है, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने भी, बहुत अच्छा है। प्रतीक जी आपने भी अच्छा किया है, बढ़िया। सुशांता बहुत अच्छा है, गुड। थोड़ा वेणु सर बढ़िया हो रहा है, पोस्टर बहुत अच्छा हो रहा है। विश्वास, आशित विश्वास बहुत अच्छा कर रहे हो, करो रिलीज धीरे से, पहले शरीर को सीधा करो, देन स्लोली हाथ नीचे रिलैक्स, एंड देन लेफ्ट हैंड सामने से ऊपर, अच्छी तरह से स्ट्रेच एंड स्टार्ट बेंडिंग। चेहरा सामने, टिप ऑफ फिंगर तक स्ट्रेच, पैर नहीं उठाना है सुरेश जी, पैर नहीं उठाना है, पैर सीधा, पैर जमीन के ऊपर ही, दोनों पैर जमीन के ऊपर है, पैर ऊपर उठाना नहीं है। हालेश जी आप करोगे तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ट्राई करो, वेरी नाइस। शरद जी बढ़िया, बहुत अच्छा। वरुण कुमार बहुत अच्छा कर रहे हो। गणेश जी अच्छा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा, गुड। थोड़ा मेंटेन करो, अरेली धीरे से शरीर को सीधा करना है, हाथ साइड से नीचे रिलैक्स। थोड़ा देख लो क्या होता है, मैं जानबूझ के साइड से दिखा रहा हूं। पैरों में 3 फीट डिस्टेंस, हाथ ऊपर उठाया, स्ट्रेच किया, देन मैंने स्टार्ट बेंडिंग। अब देखो मेरा हाथ पैर के ऊपर से नीचे है और अच्छी तरह से स्ट्रेच, सब एक लाइन में है। ज्यादा करने के चक्कर में ये होता है फॉरवर्ड जो, तो फिर यहाँ पे आपको पेन हो सकता है थोड़ी देर, या मेंटेन नहीं कर पाते, तो ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। इतना भी होता है तो भी चलेगा, बट स्ट्रेच। दूसरा, कोई कोई लोग पैर ऊपर उठा रहे, मैंने पैर उठाने के लिए नहीं बोला था, स्ट्रेच किया, ऐसे करने के बाद ये पैर उठा रहे, ये उठाना नहीं है पैर। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे द्विकोणासन। आज थोड़ा एक नया ऐड कर रहा हूं, पर हमें 1 फीट डिस्टेंस है, आपको सर का भी दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखा रहा हूं, आप पहले देख लो बाद में करना। 1 फीट डिस्टेंस, हाथ पीछे की तरफ, इंटरलॉक फिंगर, हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच, चिन अप, नाउ सामने देखते हुए फॉरवर्ड बेंड, चिन और छाती आगे, साथ ही साथ हाथों को पीछे खींचना भी है और ऊपर उठाना भी है। नी स्ट्रेट, नी कैप ऊपर, मेंटेन करना, रिलीज, धीरे से शरीर सीधा, शोल्डर रिलैक्स, हाथ शरीर के बाजू। अच्छी तरह से देख लिया है, अब सर साथ में भी कर रहे हैं, यस साइड से कर लो अच्छा रहेगा, यस। पैरों में 1 फीट डिस्टेंस, हाथ पीछे की तरफ, इंटरलॉक फिंगर, बढ़िया। शोल्डर पीछे, शोल्डर पीछे खींचो, चीन अप, हाथों को स्ट्रेच करो, देन स्टार्ट फॉरवर्ड बेंड, सामने देखते, वेरी गुड कपिल, बहुत अच्छा किया है। स्टार्ट फॉरवर्ड बेंड, साथ ही साथ हाथों को पीछे खींचना भी है और ऊपर उठाना है, यस अमित सर परफेक्ट, गुड। वेणु सर बहुत बढ़िया, शंकर जी बहुत अच्छा, कपिल बहुत अच्छा किया है, यस। AK सिंह जी आपने भी ट्राई बहुत अच्छा किया, धीर सिंह बहुत अच्छा, गुड। सब लोग मन लगा के कर रहे, बहुत बढ़िया। गणेश जी थोड़ा हाथ ऊपर उठाएगा, बाप तो आप ट्राई अच्छा कर रहे हो। A1 के बहुत अच्छा, कौन है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सुशांता और थोड़ा हाथ ऊपर उठाएगा, संजू जी बहुत अच्छा किया है आपने, बढ़िया। विजय सर बढ़िया बढ़िया ट्राई कर रहे हो, अच्छा है, थोड़ा हाथ पीछे से ऊपर उठा और अच्छा होगा, थोड़ा मेंटेन करो ताकि मैं सबको ऑब्जर्व कर सकूं। रिलीज रिलैक्स, हाथ शरीर के बाजू में, एक बार वापस देख लो हाथों की पोजीशन, हाथ पीछे आ जाएंगे, इंटरलॉक फिंगर, खींचो खींचो ऐसे, इस तरह से,
and then chin up and start forward facing. हाथों की पोजिशन ध्यान में रखो, इसके लिए बता रहा हूं तो और अच्छा होगा. सो वन मोर राउंड स्टार्ट करते हैं, और एक बार करेंगे. पैरों में वन फीट डिस्टेंस, हाथ पीछे की तरफ, इंटरलॉक फिंगर्स, उल्टा नहीं करना है प्रसाद, हाथ उल्टा नहीं करना, हाथ सीधा रखो, हाथ जस्ट सीधा. हाँ यस, चिन अप, हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच, शोल्डर पीछे एंड स्टार्ट फॉरवर्ड बेंग. सामने देखते हुए, नी बेंड नहीं करना है, पैरों को घुटने में बेंड नहीं करना है. कपिल, पोस्चर अच्छा किया, थोड़ा घुटना बेंड हो रहा है, नी बेंड हो रहा है, नी स्ट्रेट रखो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सबसे बढ़िया हो गया कपिल आपका, बहुत ही अच्छा. अमित सर, बहुत बढ़िया, आपका हाथ बहुत अच्छा ऊपर. प्रसाद, बहुत बढ़िया, गुड. वेणु सर, फर्स्ट क्लास. शंकर सर, आपका भी बहुत अच्छा ऊपर आ गया, सेकंड राउंड में अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया सबका, ट्राई करो. वेरी गुड, ये छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया, थोड़ा मेंटेन करो. धीरे से आंखों को खोलना है, शरीर को सीधा करो. असित जी, करो, देखने से कुछ नहीं, थोड़ा ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा. रिलीज, रिलैक्स, और धीरे से बैठ जाना है क्रॉस लेग. अच्छी तरह से क्रॉस लेग में बैठ जाना है. पाक को सीधा रखना है, हम लोग बैठ के आसन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद प्राणायाम करेंगे. तो क्रॉस लेग, हल्का सा फॉरवर्ड बेंड, अपने बैटक को बाहर खींचो और फिर सीधा हो जाए, तो आपकी बैक पूरी तरह से सीधा हो जाएगी. नाउ नमस्कार मुद्रा, पर्वतासन करेंगे. दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर है, एल्बोस पैरेलल टू द ग्राउंड है, और हाथ चेस्ट को टच नहीं, थोड़ा आगे है, शिन पैरेलल. नाउ धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाना है, शोल्डर मूवमेंट, यहां से यहां तक शोल्डर मूवमेंट, यहां से एल्बो मूवमेंट, हाथ पूरी तरह से स्ट्रेच, दोनों पाम से एक दूसरे के ऊपर टच, शिन पैरेलल. फाइनल पोस्चर में आंखें बंद और अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है, मेंटेन करना है, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना. थोड़ा मेंटेन करेंगे, एटलीस्ट 30 सेकंड्स मेंटेन करेंगे. धीरे से आंखों को खोलना है, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आना है, एल्बो मूवमेंट देन शोल्डर मूवमेंट. नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ नीच के ऊपर, बहुत अच्छा. थोड़ा रुक के और एक बार करेंगे. सो बैक स्ट्रेच, शिन पैरेलल, नमस्कार मुद्रा स्टार्ट कर लो. यस, वेरी गुड, नमस्कार मुद्रा. अब धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाना है, शोल्डर मूवमेंट देन एल्बो मूवमेंट, बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड संजीव जी. हाथ पूरी तरह से सीधा, एल्बो से हाथ पूरी तरह से सीधा, दोनों पाम से एक दूसरे के ऊपर टच, ब्रीदिंग नॉर्मल. नाउ हल्का सा अपनी छाती को आगे पुश करो, चेस्ट को थोड़ा आगे पुश करो, देखो कितना बैक खुल जाती है. यस, वेरी गुड अमित सर, बढ़िया. यस प्रसाद, बहुत अच्छा. अब फाइनल पोस्चर में आंखें बंद, वेणु सर फर्स्ट क्लास, वेरी गुड. शंकर जी, बहुत अच्छा. धीर सिंह, बहुत अच्छा किया है, बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड. शरद जी, ट्राई करो और अच्छा हो जाएगा. थोड़ा मेंटेन करो, बहुत अच्छा पोस्चर है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, दिखने में बहुत इजी लगता है पर इसके बेनिफिट बहुत है और मेंटेन करने में तकलीफ है. थोड़ा मेंटेन करो और
हरली आंखों को खोलना है, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आना है। अब जितना माइंड इन्वॉल्व करोगे प्रैक्टिस करते समय उतना इजी पोस्चर होगा आपका, हाथ दोनों नीज के ऊपर। और एक पोस्चर करेंगे उसके बाद प्राणायाम करेंगे, बट इस पोस्चर से थोड़ा हम अपने बैक को रिलैक्स करेंगे। क्रॉस लेग में बैठे हैं, बटक बाहर, बैक स्ट्रेट। नाउ दोनों हाथों से अपने नी को नीचे से पकड़ना, चिन अप, एंड देन चिन और छाती आगे खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड, आगे आगे खींचना है और फॉरवर्ड बेंड भी करना है। यहां आने के बाद थोड़ा सा पेट की मूवमेंट, एंड देन स्टार्ट फॉरवर्ड बेंड, कंटिन्यू, फाइनली ओवरहेड जमीन के ऊपर। मेंटेन करना, अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है। धीरे से सर को ऊपर उठाते हुए शरीर को सीधा करना है, रिलैक्स। अब साथ में और एक बार करेंगे अच्छी तरह से बैक स्ट्रेच, शिन पार्लर, दोनों हाथों से अपने नी को पकड़ना है नीचे से, चिन अप स्टार्ट करते हैं, एंड स्टार्ट फॉरवर्ड बेंड, सामने देखते हुए फॉरवर्ड बेंड। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, देखो कितना अच्छा हो रहा है। जब आपका नीचे जाके फोरहेड टच होगा, अगर फोरहेड टच नहीं होता है, जितना होता है वहीं पे रुक जाओ, सर को रिलैक्स छोड़ दो और अपने ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देना है। अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दो, और जैसे जैसे आप एक्सहेल कर रहे हो और शरीर को रिलैक्स छोड़ना है। हाथ साइड में रखो, संजू अच्छा कर रहे हो, हाथ साइड में नीचे नीचे रखो। यस, देखो कितना अच्छा हो रहा है, वेरी गुड अमित सर, बढ़िया। प्रहलाद पटेल जी आपका भी अच्छा हुआ है, प्रसाद, कपिल, वीर सिंह, बढ़िया। शरद जी ट्राई कर रहे हैं, विजय सर अच्छा ट्राई किया है, गुड। एके सिंह आपका ओके, सुशांता आपका भी अच्छा हुआ है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। धीरे से आंखों को खोलना है, पहले सर को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे शरीर को सीधा करना, रिलैक्स। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम की तरफ, थोड़ा रिलैक्स। पहले करेंगे श्वसन मार्ग सिद्धि, जिससे अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन हो जाएगा, श्वसन मार्ग जो है वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा तो हमारा प्राणायाम और अच्छा होगा। इसके लिए श्वसन मार्ग शुद्धि अच्छी तरह से मैं खड़ा रह के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लोजअप में दिखाई देगा अच्छी तरह से। आपको फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है 10 टाइम और थोड़ा रैपिडली, मतलब आपको सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ना है इस तरह से। आप अच्छी तरह से देख सकते हो ताकि इसके लिए मैं दिखा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर क्या करना है। देखो, इस तरह से आपको 10 स्ट्रोक करना है, वो भी बैठ के। नाउ स्टार्ट, कम ऑन, बैक स्ट्रेच, शिन पैरेलल, यस। नाउ स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। थोड़ा रुक के और 10 टाइम्स करेंगे, थोड़ा रिलैक्स। धीरे धीरे जाएंगे तो और अच्छा, स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं। वन मोर राउंड, बैक सीधा, नाउ स्टार्ट स्ट्रोक, 1, 2,
three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Relax. आंखें बंद, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो, क्या चेंज हो गया, देखो कितना चेंज हो गया है। आपको पता चलेगा ब्रीदिंग कितना इजी और स्मूथ हो रहा है। बस नाक सीधा, स्लाइटली शोल्डर पीछे, ऑब्जर्व करो जितना ब्रीदिंग, जितना अच्छा ब्रीदिंग होगा उतना ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर प्राण वायु ऑक्सीजन चला जाएगा, उतना आपको अच्छा लगेगा। वेरी गुड। नाउ इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी रेचक, भौरे की गुंजन की आवाज, नाक से भौरा जिस तरह से गुनगुनाता है, हमिंग साउंड जो है उसकी, उसको निकालना है अपने नाक से अच्छी तरह से। एक बार सुन लो, देख लो, फिर फाइव टाइम्स करें। आंखें बंद है, धीरे से मैं सांस ले लूंगा और फिर स्टार्ट कर। इस तरह से आपको फाइव टाइम्स करना है पूरा कंसंट्रेशन के साथ, और इजीली प्रोलॉन्ग होता है, जितना इजी आप सीख सकते उतना ही करना है, ज्यादा सीखना नहीं है। नाउ आंखें बंद है, बैक स्ट्रेट, शिन पैरेलल। नाउ स्लोली इनहेल एंड फाइव टाइम्स आपको करना स्टार्ट। अच्छी तरह से कर लो राजकुमार। आंखें बंद की है, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। धीरे से आंखों को खोलना है और वन साइड टर्न होके बैक के ऊपर लेट के अनुलोम विलोम प्राणायाम हम लेट के करेंगे। So, आपको बैक के ऊपर लेटना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम याद है, मैं राइट बंद नॉस्टिल किया, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ये वाला जो प्रैक्टिस है आपको लेट के करना है। और कितना करना है, फाइव सर्कल मींस 10 ब्रेथ। ओके, सो लाई डाउन, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, दोनों हाथ शरीर से दूर, पाम स्काई की तरफ, आंखें बंद, पहले थोड़ा रिलैक्स करो, एक दो सांस से ले लो, सेट हो जाओ। यस संजू जी, लेट जाओ, रिलैक्स, बढ़िया, आंखें बंद, रिलैक्स एंड देन स्टार्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाउ स्टार्ट, यस कर लो, कंसंट्रेशन कर लो, अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो।
अच्छी तरह से 10 ब्रेथ ट्राई करोगे तभी आएगा और इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन धीरे से सांस भरो और धीरे 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 छोड़ना। अच्छी तरह से 10 ब्रेथ, जैसे आपका 10 ब्रेथ हो जाए अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है, हाथ शरीर के बाजू में। बढ़िया, मेंटेन करते रहो, जितना होता है काउंट करते करते कीजिएगा, ताकि 10 ब्रेथ 10 सांसें आपको करना है। जैसे ही 10 ब्रेथ हो जाए हाथ शरीर के बाजू में रखे, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना। आंखें बंद है, हो गया है तो आंखें बंद करके लेते रहो, बस अपने ब्रीदिंग को, अपनी सांस को देखना है, अपनी सांसों को देखना है। अच्छी तरह से ट्राई करो, राज अच्छा कर रहे हो, छोटी बच्ची है बढ़िया कर रही है, ट्राई गुड। नाउ ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों हाथ शरीर के बाजू में है। आई थिंक सबका 10 ब्रेथ हो गया है, सर का बाने हो गया, उनका भी हो गया। बाकी ऊपर लेटे रहना है, जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ वैसे सुनते जाना है और मन ही मन में वो सब चीजें करना। दोनों पैरों में अंतर है, दोनों हाथ शरीर से दूर है, पाम स्काई की तरफ है, आंखें बंद, धीरे से सांस लेना है। और जब सांस छोड़ रहे हो तो दोनों पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। अब हमारे दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स, फिर से धीरे से सांस भरना है और सांस छोड़ते समय दोनों हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स करना है, उन्हें पूरी तरह से ग्रेविटी से छोड़ देना। फिर से सांस भरोगे, सांस छोड़ते समय अपनी बैक को, स्पाइनल कॉलम को रिलैक्स करना है, उसे पूरी तरह से ग्रेविटी फोर्स से छोड़ देना है। फिर से सांस भरोगे, धीरे से सांस आएगी और जब सांस छोड़ोगे तो पेट को रिलैक्स करना है, पेट के अंदर के ऑर्गन्स को रिलैक्स करना है। फिर से सांस भर रहे हो, अब सांस छोड़ रहे हो तो अपनी चेस्ट को रिलैक्स करना, अपनी चेस्ट को रिलैक्स करना, एक्सेल के साथ साथ बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन्स को रिलैक्स करते जाना। फिर से सांस भर रहे हो और एक्सेल के साथ साथ अपने सर को, अपने हेड को रिलैक्स कर रहे हो। फिर से सांस भर रहे हो और जब सांस छोड़ रहे हो तो चेहरे को रिलैक्स करना, पूरी तरह से अपने चेहरे को रिलैक्स करना। अब हमारा पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब वापस हम लोग सांस भर रहे हैं
और जब सांस छोड़ रहे हैं तो शरीर के अंदर छोटा मोटा पेन, छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है वो सब बाहर जा रहे हैं। आपको फील करना है कि एक्सेल के साथ सांस छोड़ते समय शरीर के सारे फिजिकल प्रॉब्लम बाहर जा रहे हैं, शरीर के अंदर का छोटा मोटा पेन, छोटी मोटी बीमारियां सब कुछ बाहर जा रहा है। फिर से आप सांस भर रहे हो और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो एक्सेल के साथ साथ शरीर के अंदर की सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। आपको फील करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस फील करना है। एक्सेल के साथ सांस बाहर जा रही, जाते जाते सारी निगेटिविटी लेके जा रही है। अब हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स एंड स्वस्थ। अब हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स, लाई डाउन। अब फिर से अपने माइंड को अपने इनहेल की तरफ ध्यान देना। फिर से सांस आ रही है, शरीर के अंदर सांस आ रही है, बस साथ में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही है, शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही है। फिर से हम इनहेल कर रहे हैं, शरीर के अंदर एनर्जी लेके आ रही है। फिर से हम सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे शरीर में एनर्जी और अवेयरनेस आ रहा। इतना अच्छा लगता है, देखो सांस भर रहे हो और शरीर में एनर्जी आ रही है, शरीर के हर एक सेल एक्टिव पीसफुल हो रही है। हमारे चेहरे के ऊपर एकदम आनंद। धीरे से आंखों को बंद ही रखना है, धीरे धीरे दोनों पैरों को साथ में लाना है, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब धीरे से वन साइड टर्न करना है, एक हाथ सर के नीचे, थोड़ा वहीं पर रिलैक्स करना है, थोड़ा मेंटेन करना है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। हमेशा हम जब वन साइड टर्न करते थोड़ा अच्छा, ये पोजीशन में बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे से बैठ जाना है, बट आंखों को बंद ही रखना है, आंखों को खोलना नहीं, आंखों को बंद ही रखना है, बात को सीधा रखना है। आपको दो मिनट का छोटा सा मेडिटेशन करना है, आंखों को बंद के रखना है। मेडिटेशन है नित्य अनित्य भावना। हम लोग जो काम रोज करते हैं, नित्य करते हैं, डेली करते हैं, उसको रिकॉल करना है। आपको दो मिनट ही टाइम मिलेगा, बट आपको याद करना है कल सुबह आप बिस्तर से उठे वहां से लेके दोपहर 2 बजे तक जितना भी आपने काम किया, छोटा छोटा, यहाँ से ब्रश उठाया, ब्रश किया, पेस्ट रख दिया, कि छोटी छोटी चीजें सीक्वेंस वाइज रिकॉल करना है। कल सुबह आप बिस्तर से उठे, आप 5 बजे उठे होगे, 4 बजे उठे होगे, 6 बजे, वहां से लेके बिस्तर से जैसे उठे आपने जो भी एक्टिविटी की उसको सीक्वेंस वाइज रिकॉल करना है, याद करना है। नाउ
लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जितना रिकॉल वहाँ है, जितना हुआ है वही पर रुक जाना है और अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है। जितना याद आया उतना आया, वही पे दिमाग में रखो, मुझे इतना याद आ गया है, और अपनी सांस की तरफ ध्यान देना। ब्रीदिंग नॉर्मल, बैक स्ट्रेट। अच्छी तरह से पहले शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे, स्लोली इनहेल एंड साथ। शांति शांति शांति। फील द वाइब्रेशन ऑफ शांति मंत्र। नमस्कार मुद्रा, नमस्कार करना है और खुद को ईश्वर को सरेंडर करना है, ईश्वर के सामने झुक जाना है। और जो भी कर्म किए हैं, अच्छे भले बुरे जो भी है, वो सब भगवान को अर्पण करना। और नाउ चेहरे के ऊपर हल्का सा स्माइल, क्योंकि भगवान आपसे बहुत खुश है। हम कोई सामने आते हैं तो स्माइल करते हैं, अब तो भगवान हमारे सामने है तो हल्का सा स्माइल भगवान के लिए, तो भगवान को भी आपको स्माइल करेंगे। नाउ दोनों पांव को एक दूसरे रब करना है, पांव को अपने नेक, शोल्डर, एल्बो, बैक, थाई, नी, पैरों को सीधा करो, पैरों की मूवमेंट कर लो। स्लोली जेंटली आंखों को खोलना है, देखो इंसान दिनों तक। सर बहुत बढ़िया था आज का रिलैक्सेशन, तो सबको शायद मजा आया होगा, बहुत अच्छा था, मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ। सर नेक्स्ट संडे है ना फ्रेंडशिप डे है, ओके, तो हम लोग हर साल फ्रेंडशिप डे के दिन इवेंट करते हैं, फ्रेंडशिप विद प्लांट्स, मतलब प्लांट्स लगाते हैं। ओके, ऑल ओवर इंडिया लास्ट ईयर भी 470 लोकेशन में कैंप्स हुए थे ट्री प्लांटेशन का, तो इस बार भी उसी लेवल में होंगे। सभी जगह पूरी टीम हमारी, डीलर जितने लोग सबको इन्वॉल्व करके करते हैं, मतलब हमारे मेरे तो पूरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इंडिया में, फॉरेन में, सब लोग करते हैं उस दिन प्लांटेशन। ओके, तो नेक्स्ट संडे क्लास नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि सुबह से सब लोग उसी तैयारी में कहीं ना कहीं फील्ड पर रहेंगे सब लोग, तो क्लास नहीं रखेंगे नेक्स्ट वीक। मुंबई में सर रोटरी क्लब ने हमारे साथ किया है, उनके साथ में 5 मियावाकी फॉरेस्ट लगा रहे हैं हम लोग उस दिन। ओके, सब मिला के 10,000 प्लांट्स मुंबई में लगा रहे हैं नेक्स्ट संडे को। तैयारी हो गई ऑलरेडी, रोटरी क्लब ने फंड्स कलेक्शन का चालू कर दिया है, उनके वो लोग फंड कलेक्ट करेंगे, बाकी पूरा इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे, पूरा प्लांट लाना लगाना सब हम करेंगे। तो पर प्लांट 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं वो लोग, लोगों को जिनको भी पे करना है, तो वो लोग बड़ी लेवल में कैंपेन कर रहे हैं ताकि प्लांट लाना, ट्रांसपोर्टेशन, खड्डा खोदना, लगाना, मेंटेन करना, उसको जो भी जाली जो भी करना है ताकि वो कंटिन्यू आगे मेंटेन, ड्रिप इरिगेशन करेंगे उसमें, सब करेंगे। तो पर प्लांट 100 रुपए करे तो बहुत लोग बढ़ चढ़ के पेमेंट ट्रांसफर करते जा रहे हैं रोटरी को, तो बहुत अच्छा हो रहा है इसका, बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। उसी तरह बाकी जगह सब जगह कहीं अपने टीम मेंबर खुद करेंगे, कहीं डीलर्स में करेंगे, सब लोग अलग अलग करेंगे सर, तो हर साल होता है। तो आपको भी चांस मिला तो कुछ ना कुछ प्लांट्स लगाने का कहीं प्लान कीजिए, yes, कहीं पार्टिसिपेट yes. कीजिए उस दिन सर। ठीक है सर। और अमित जी आपको कुछ बोलना? आई थिंक दैट सर हर बार मतलब प्रगति की पथ पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हर बार का जो सेशन है वो पिछले बार से काफी अच्छा होता जा रहा है, और आज वाले सेशन में दो तीन चीज मैंने अनुभूति किया। एक तो ये जो सर का एक शब्द ये रहता है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये सबसे इसका शब्द का अहमियत आज हमको तब पता चला जिस समय आप हम लोगों को बेंड करा करके होल्ड कराते हैं, तब हम इंतजार करते हैं कि सब रिलैक्स वर्ड कब बोलने वाले हैं। सबसे उस शब्द का महत्व तब समझ में आया आज सर कि ऐसा था।
और सेकंड एक ये था सर कि जैसे हम लोग जो अनुलोम विलोम बैठ के करते हैं सर, अभी तक बचपन से वो आदत है, और लेट के आज पहली बार किया लाइफ में, तो इसके पीछे का क्या साइंस है सर, थोड़ा वो जरा समझना चाहेंगे तो। यस जरूर। एक्चुअली हम लोग बैठ के करते हैं तो प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि पोस्चर, आपका जो बैठने का पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जब स्टार्ट करते हैं पोस्चर तो हमारी बैक सीट भी होती है जी, और हमारा एक सर्कल कंप्लीट होता है तब तक हम लोग ऐसे हो जाते हैं, और दूसरे सर्कल के साथ साथ पूरा ऐसा चालू रहता है राइट। और जैसे ही हमारी बैक बेंड हो जाती है हमारा माइंड बाहर की तरफ चला जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, और प्राणायाम में इम्पोर्टेंट पोस्चर और कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है, वो नहीं होता है। तो वो दो चीजें मिलाने के लिए आपको मैं लेके करवाता हूँ, एटलीस्ट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आपको। और उसमें दूसरा प्लस पॉइंट ये हो जाता है, लेट से आपका ब्रीदिंग बहुत अच्छा होता है। करेक्ट करेक्ट सर। पूरी तरह से डीप इनहेल एक्सहेल कर पाते हैं, तो बैक सीधा रखने के लिए तो हम लोग एटलीस्ट रोज इतना प्रैक्टिस नहीं करते उतना प्राणायाम करना चाहिए जी, करेंगे 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट, वो भी अगर प्रॉपर नहीं होता है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये मोस्ट ऑफ द लोगों को यही करवा रहा हूँ कि लेट के आप करो, आपको बेनिफिट मिलने वाला ही, एटलीस्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रॉपर हो रहा है, और जो प्राणायाम में होना चाहिए। करेक्ट सर। So that was one thing. And दूसरा एक और था सर कि इस बार धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ संख्या पार्टिसिपेंट्स की हमारी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही सर। आज तो हमने देखा कि दिख रहे थे, मतलब मैक्सिमम नंबर तो पता नहीं कहाँ तक गया था, मैक्सिमम था 101। वाओ ग्रेट सर। हाँ 101 था आज। लास्ट 15 मिनट के बाद या 20 मिनट तक थोड़ा थोड़ा कम होते थे, मतलब अभी तक 92-93 था सर। अगर सेंचुरी का हम लोगों ने एक लक्ष्य अपने आंखों के सामने रखा था तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि सेंचुरी हमारी टीम ने आगे पार किया, और बहुत बड़ी टीम है सर आज, करीब 350 लोगों की टीम, तो हमारी ऐसी है जो टीम लगातार आ सकते हैं इस पर्टिकुलर फोरम पे, और अब मुझे उम्मीद है कि ये अगली बार में और संख्या बढ़ेगी, सभी लोग फायदा लेंगे। दूसरा कुछ लोगों का नाम जो मैं बार बार सर आप अनुच्चारित करते हैं, तो मुझे लगता है वो तो आप धीरे धीरे करके मतलब पुरस्कार के काबिल बनते जा रहे हैं। जैसे कुछ नाम तो याद हो गए, एक नाम तो कुछ मुस्कुराई रहे हैं लोग अपने आप ही, जैसे कपिल कुमार जी हैं, मतलब कोई सा भी सेशन नहीं होगा जिसमें कपिल का नाम सर ना लेते हो, वेणु सर, कपिल सर, कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं। आज शंकर दा को भी कई बार सर ने याद किया है, शरद सक्सेना जो को भी सर ने याद किया, गणेश जी को भी आज सर ने थोड़ा सा याद किया है कि गणेश जी आप भी करिए, बैठे मत रहिए, देखने से काम नहीं होगा। तो ये जो चीज है सर ये बड़ा अच्छा लगता है कि पर्टिकुलरली आपका वाच एक एक आदमी के ऊपर रहता है सर, मतलब हम लोगों को आप लगा देते हैं देन फिर आप उसको वाच करते हैं, और एक अच्छे गुरु की पहचान यही है सर कि हमको आगे काम पे लगा के आप पीछे से वाच करते हैं कि वहां पर गलतियां हो रही हैं उसको आप सामने लाते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि सबके ऊपर बराबर ध्यान जाता है सर। बाकी आज अपने सभी भाइयों को सुनते हैं सर, इनके क्या फीलिंग्स हैं, इनके क्या विचार हैं, ये क्या फील करते हैं सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सब जी उनको ये पूछना जो लास्ट में नित्य अनित्य भावना हम लोगों ने जो मेडिटेशन किया था उसके ऊपर आपका भी और बाकी लोगों का क्या राय आता है देखते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सुनते हैं जरा टीम से सर, सुनते हैं पहले कि ये लोगों ने लास्ट में क्या फील किया। सो सोमनाथ यादव जी से शुरू करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जो वर्क कल मैंने दिन भर किया था पूरा उसको रिकॉल किया, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मतलब जहां जहां गया था, इवन सर कई कुछ जगहों पे मैं कल फर्स्ट टाइम गया था, और वो भी मतलब उसको बाय नेविगेशन के थ्रू, वो भी सारी चीजों को रिकॉल किया सर। बहुत ही सर बढ़िया अनुभूति हो रही थी, मतलब रियली मतलब फर्स्ट टाइम जहां मैं गया था सर वहां भी उसको मैंने पूरा अपने नोटिस में रखा। मतलब एक दो चीज है मुझे लगता है सर, एक तो ये कि जैसे सोमनाथ जी जो कह रहे हैं ये अगर सही बात होगी कि अगर ये अक्षरशा पूरा वापस जाकर के वहां से शुरू कर पाए होंगे आज, मुझे थोड़ा डाउट है सोमनाथ जी, क्योंकि मैं नहीं कर पाया उतने अच्छे तरीके से, इसलिए मुझे लग रहा है कि उतने अच्छे तरीके से सब लोग कर पाए कि नहीं, क्योंकि जब मैं वापस जाना चाहा ना कि कल सुबह जब मैं उठा था फिर कैसे कैसे, तो दिमाग फिर से लेकर के आ रहा था कि आज अभी क्या क्या बाकी है काम, अभी ये बाकी है वो बाकी है, मतलब मैं पकड़ के वापस ले जा रहा था कि कल सुबह मैं 6 बजे उठा था तो उसके बाद क्या क्या किया, और दिमाग आगे भाग रहा था।
तो ये जो एक सेल्फ टॉक है ना सर, ये केंद्रित नहीं होने देती उस तरीके से। तो अगर सोमनाथ सर कुछ कह रहे हैं सर, ये जो है रेगुलर अगर मेडिटेशन करते हैं ना, तो यही मेडिटेशन का फायदा है। जैसे सर भी है ना, काफी बार हमको हर योगा के अंदर थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कराते हैं, मतलब अपने सांसों पे ध्यान रखे, हमारे पेट में पेट पे ध्यान रखे, सांस आ रही है जा रही है, तो उतनी देर हम लोग थॉट्स को रोक पा रहे हैं। तो वैसे ही करते करते प्रैक्टिस होगा, समझे ना। और अगर अगर ये चीज को रियल में अगर अच्छा करना है तो 10 दिन की छुट्टी लेना चाहिए। विपासना जाना है 10 दिन, और वहां करके अगर 100% आपको ये कैपेसिटी आ जाती है, बाद में आप चाहे जो चाहे जब चाहे जहां चाहे। मैं एक बार भी डाइवर्ट नहीं हुआ कल, स्टार्ट सुबह उठने से लेके सिलसिलेवार पूरा कल दोपहर तक का बराबर पूरा सोचा, किससे क्या बात हुआ, क्या हुआ, किससे किससे मिला, क्या क्या हुआ, कल बहुत मीटिंग्स हुए, बैक टू बैक पूरे हर चीज को रिकॉल कर पाया। तो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस सीक्वेंस वाइज, पूरी सीक्वेंस वाइज, तो 1% भी मैं डिवेट नहीं हुआ टोटल में, तो वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। तो इसका बेनिफिट सबसे इम्पोर्टेंट है जी, क्यों करना, सबको तो सवाल मन में है क्यों करना, हम लोगों को कल का याद नहीं रह रहा, तो आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। दूसरा, हम लोग जब रिकॉल करने जाते हैं तो जो प्रेजेंट में जो स्ट्रेस है, अपने दिमाग में जो थॉट्स है, उसको आपने स्टॉप कर दिया जी, तो आपका स्ट्रेस लेवल इमीडिएटली डाउन हो जी। भले आपके दिमाग में कितना ही भी इम्पोर्टेंट काम है, 2 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए तो माइंड डाइवर्ट हो गया, करेक्ट, तो स्ट्रेस जो था वो डाउन हो गया, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, जो हमारे एज होने शुरू हो जाती है। तो ये खाली माइंड के लिए नहीं, ये बॉडी के लिए भी जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग चलते चलते गिर जाते हैं तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, करेक्ट, तो एक्सेप्टेंस जो है थॉट का वो भी पावरफुल हो जाता है। और जैसे हम लोग देखते हैं, हमारे घर में भी बुजुर्ग है, उनको पता नहीं, हम लोग हमारा भी होता है कभी कभी, ऐसा चश्मा है, चश्मा किधर है, है तो चश्मा तो सर पे है, तो रिकॉलिंग पावर बहुत जरूरी है, और कॉन्सेंट्रेशन, और साथ ही साथ कहा गया, किससे कब मिला और उससे क्या डिस्कशन हुआ, तो मतलब बड़ा ही सिलेक्टेड वर्क था सर मेरा कल का, जो भी पूरा शेड्यूल रहा था। नहीं, वो तो सिलेक्टेड था, जो नॉन सिलेक्ट था, सुबह उठ के पैर नीचे, कौन सा वाला बेड से कौन सा पैर नीचे रखे, वहां से स्टार्ट हुआ, ब्रश लिए तो कैसे किए, वो सब किया नहीं किया। नहीं सर, ब्रश के लिए तो नहीं किया सर हमने, लेकिन जो हमारे वर्क्स थे सर, मैंने उस पे कॉन्सेंट्रेट जरूर किया सर। करेक्ट, वो डेली एक्टिविटी मैंने पहले ही बोला था, ब्रश से लेके आपने क्या खाया, क्या उठाया, कहाँ पे क्या रखा, वो अगर चीजें आप जाओगे तो 5 बजे अगर उठे हो तो 6 बजे 7:30 बजे तक भी पहुंचोगे नहीं, 2 मिनट डायरेक्टली डायरेक्टली नाश्ते पे आ जाता, फिर खाने पे आ जाएगी, और खाने में ढूंढते जाओगे कहाँ खाना खाया तो याद नहीं आएगा सर। लेकिन आपने थोड़ा परीक्षा कठिन भी कर दी थी ना, आपने कहा था कि सुबह जो 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, उसके आगे उठने वालों के लिए आपने दिया ही नहीं ना, तो बहुत से भाई लोग हमारे इस चक्कर में नहीं, वो तो उठेंगे। वो सोचे मेरे लिए तो ऑप्शन ही नहीं दिया सर ने। ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा हो गया। करेक्ट करेक्ट, यस कपिल, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका बड़ा नाम सर लेते हम सबको याद हो गया कपिल का नाम। जी सर, सर मैंने तो शुरू से ही किया है, सीधा जागा, हाथ दे के पूरा किया है, लेकिन मैं पूजा पाठ तक पहुंच पाया, इसके ऊपर नहीं पहुंच पाया सर। गुड, अच्छा टास्ट ठीक है। सतेंद्र जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे सुबह में उठा बहुत दिन में 6:55 हो रहे थे सर, तो नींद में टाइम देखा मोबाइल में तो तकरीबन मुझे लगा सर शायद 7:55 हो गया, फिर मैंने कहा लेट हो गया। एक्चुअली उनका सर एक पार्टी है बोदरली वाली, तो वो 8:30-9 बजे तक मिलती है, उसके बाद फिर 2 बजे तक उसका वेट करो, टीचर है, फिर 2 बजे ठीक है, वो डिटेल नहीं चाहिए, मतलब आप निकाल कर पाए या नहीं, इम्पोर्टेंट है कि आप निकाल कर पाए। ठीक, गणेश जी ने क्या निकाल किया जिनको आज सर ने बहुत याद किया। इम्पोर्टेंट है गणेश जी के, देखो चेहरे पे जो स्माइल है ना वो किसी के चेहरे पे नहीं। करेक्ट, सही बात है सर। आज एक ही एक पोस्चर था, आपने लेटने के लिए बोला,
अनिलोम विलोम के लिए बहुत अच्छा लगा सर, वरना तो बैक पेन पर लग रहा था, उतने लग रहा था, बहुत बहुत दिन से बोल रहे थे, हमने ज्वाइन नहीं किया, बट टुडे आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट इवन विदाउट जॉगिंग और वॉकिंग आई स्टार्टेड स्वेटिंग. सूर्य नमस्कार करते ट्राइंग दैट इट स्टार्टेड स्वेटिंग, आई फेल्ट हैप्पी ऑल्सो, एंड थोड़ा बहुत नींद आने के जैसा आ रहा है आज बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम आई थिंक, बट आई एंजॉय इट. माइंड रिलैक्स हो चुका है ना, इसके लिए आपको शरीर को और रिलैक्सेशन जरूरी है. यस सर, वेरी गुड. नहीं आई थिंक दैट जब सर ने ये कहा ना कि जरा लेट करके अनुलोम विलोम, तो हमारा क्या लगा गणेश जी ने एक आध झपकी भी ले ली होगी ऐसा लग रहा हूँ कि खुशी दे. मनोज शर्मा जी, दीपक झा जी भी तैयार रहिएगा. जय हिंद सर. जय हिंद. क्योंकि मैं अब तो रेगुलर करना स्टार्ट हो गया, पर आज जो रिकॉल हुआ था, मैं सर होटल से जैसे ही बाहर निकला वहां तक ही पहुंचा, इसके आगे नहीं पहुंच पाया. नहीं पहुंच पाए, मतलब जो कल हम लोगों ने किया वो हम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे, आप सोचो. यस सर, एग्री. क्योंकि ये इसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाई रिकॉल के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. दीपक झा अनम्यूट करिए, आपने क्या फील किया दीपक जी बताइए. जी सर बहुत बढ़िया लगा सर, हम पूरा नहीं कर पाए थे सर. किसने रोका? नहीं सर, वो थोड़ा सा वो घर के बाहर सर वो वाटर वगैरह देने के लिए आया था सर. आज यहाँ पे सर झारखंड में आज यहाँ पे लॉकडाउन रहता है सर. अरे बाबा, घर के अंदर थोड़े लोग लॉकडाउन है, कैसा बुद्धू बनाते हैं लोग, घर के अंदर लॉकडाउन है क्या कि घर के अंदर? तो हमको सर जी जाना पड़ा वो लेने के लिए. ठीक है लेकिन किया करिए दीपक जी, बहुत फायदा मिलेगा. ठीक है, आप करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको. राइट, चलिए गुड. सो एनीबॉडी एल्स, और किसी को कुछ शेयर करना है, अपने से कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी कोई फीलिंग तो हैंड रेज करिए. यस धीर सिंह जी. जय हिंद सर. जय हिंद सर. मैं आज आपके इससे अलावा कुछ फीलिंग महसूस की है, बचपन वाली. आज तो मेरा साथी आया, हम घूमने चल गए पार्क में, तो गाड़ी की चाबी रख दी थी वहां पे एक जूस वाला उसके पास में. पार्क में चले गए, तो मैं उसको बोला, मेरा साथी था, मैं कहा भाई जल्दी चल, मुझे ना योगा क्लास करनी है 7:30 बजे. इस बीच में क्या हुआ सर, दो बंदे हो रहे अपने साथी, वो ना वहां से गाड़ी देखी, वो चाबी उठा के अंदर पार्क में चले गए और स्विच ऑफ कर लिया. वेरी गुड. तो सर वो ना पहले जो बचपन में करते थे ना वो फीलिंग आई, आज मैं यार ये चीजें आज भी जिंदा है. बदमाशी तो कभी भी जिंदा है. 15-20 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो सर मेरे वो साथी कह रहे थे, बोला जी हम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? करेक्ट. तो कर सकते हैं सर वो साथी ज्वाइन यहाँ? अरे हम लोग तो, आप तो व्हाट्सएप पढ़ते नहीं हो क्या? उसमें क्या लिखा रहता है? आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, डीलर्स को, किसानों को, किसके लिए नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर, क्योंकि ये तो एक ऐसा आहुति है, यज्ञ है. इसमें तो जो भी लोगों को आप चाहे इन्वाइट करना, इसमें तो कोई फीस नहीं ले रहे हैं हम, कोई परिचय नहीं पूछ रहे हैं हम, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, जिसकी इच्छा है. ये तो इतना बड़ा एक मतलब आयाम है जो हमारी कंपनी ने शुरू किया है, कि इसका तो जितने लोगों को आप फायदा दे सकते. वेणुगोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा? नमस्ते सर. नमस्कार. जय हिंद. 7:30 वेरी वेरी सीएमडी साहब को बहुत थैंक्स है, ये शुरू करने के बहुत अच्छा है. और इसमें पहले कर रहे थे क्या क्या करना है कहे नहीं मालूम है, अभी साफ बोले तो वो सिस्टमेटिक हो गया सब. और सूर्य नमस्कार और प्राणायाम और एक्सरसाइज एक सिस्टमेटिक हो गया, डेली कर रहे सर, अच्छा है. वेरी गुड, वेरी गुड. सुरेश जी फ्रॉम त्रिची रीजन, he is also very active man. Suresh is very active, very smart. Yes Suresh. Jain sir, Jain sir. Suresh, you are always smiling and yeah, happy. Tell me Suresh, what you felt? Today I am very difficult sir. I am very interested in our yoga section sir. Thanks our CMD sir. Great, great.
I am regularly two-wheeler travel, sir, field and dealer visit. Right. So back pain when they regularly back pain some time, sir. Right. Today the elbow went undi very interesting, sir. Back pain right. Relaxation, sir. Correct. Definitely regularly our yoga section, sir. Correct. Very right. Umar ji is also there. Umar ji from Trichy region. Okay, Bhavatosh ji, you have anything to ask, say? Yes, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, Bhavatosh ji. Yes, sir. Jai to heart din se exercise korte ho, surya pranam korte ho. Okay. Very good. किसी के कोई और फैमिली मेंबर्स में से जिन्होंने आज पूरा ज्वाइन किया हो, कई बच्चे दिख रहे थे, सर ने कई बार नाम लिया कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा, कोई है जो जिसकी कोई फीलिंग शेयर करना चाह रहे हो? एनीवन सर, वो तो है लैटिन से जा रहा है मेरा बच्चा, तो मेरा साथ रोज एक्सरसाइज करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रीकांत जी चंडक कौन दिख रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कोई? किसका, किस चीज का सर? श्रीकांत चंडक नाम से ज्वाइन किया है। ओके ओके ओके, आई वांट टू सी श्रीकांत चंडक जी कौन है, कहां पे, प्लीज हैंड रेज करेंगे क्या? कैमरा ऑफ है उनका? कैमरा ऑन है? ऑफ है, कैमरा ऑफ दिख रहा। श्रीकांत चंडक जी मस्ट नॉट बी हियरिंग, उनका शायद ये भी नहीं है, और अपने संतोष चांडक जी भी नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं तो उनसे पता चलता थोड़ा। संतोष चांडक जी हैं? नहीं नहीं है। ईश्वर गायकवाड़ जी, बंजारी जी, ओके ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, जय हिंद। ऑल राइट सर, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, 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 नमस्कार मुद्रा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।